नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मेरे सरकार आए हैं। इस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की भी बात करेंगे, तो साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को पीएम मोदी ने क्या क्या सौगातें दी हैं। पीएम मोदी का आज अयोध्या दौरा कई मायनों में खास रहा है। पीएम मोदी ने अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और 8 नई ट्रेनों की सौगात दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रोड शो भी किया है और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। पीएम मोदी का ये रोड शो रामपथ धर्मपथ से होकर गुजरा है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने लता मंगेशकर चौक पर रुककर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो धर्मपथ पर अयोध्या वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बरसात की, तो साथ ही हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों का अभिवादन भी किया। तो आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातों की छड़ी भी लगाई, अयोध्या वासियों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की सौगात दी और बेहद ही खूबसूरत ढंग से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। जब आप पहली बार अयोध्या नगरी में पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर अपना पहला कदम रखेंगे, तब आपको एहसास हो जाएगा इस बात का कि आप राम की नगरी में पहुंच गए हैं, इस बात का कि आप राममय हैं। आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए कई मायनों में खास रहा है। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद एयरपोर्ट पर कामकाज का भी जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन कर 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन में मौजूद छात्रों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट, एक्सेलेटर, वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम और फूड प्लाजा जैसी कई सुविधाएं मौजूद है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में पारंपरिक झलक भी देखने को मिलेगी। इसमें डिजाइन के कई पहलू भगवान राम के जीवन के साथ साथ राम मंदिर से भी प्रेरित हैं। और ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी, और दूसरी तस्वीर वो जब अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके पीएम मोदी ने रवाना किया था। अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये 3 तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों को सौगात दी थी वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन की। तो देखिए अयोध्या एयरपोर्ट की क्या कुछ खासियत है ये आपको बता देते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि और क्या कुछ खासियत अयोध्या एयरपोर्ट की है। 821 एकड़ में फैला है अयोध्या एयरपोर्ट। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसकी खासियत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए तैयार हुआ अयोध्या एयरपोर्ट। अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुविधाएं भी यहां पर, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 350 करोड़ की लागत से बना है अयोध्या एयरपोर्ट। तो अयोध्या एयरपोर्ट की खासियत क्या कुछ रही है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही है। 6500 वर्ग मीटर में बनी है एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग। और इसके अलावा क्या कुछ खास है ये भी बता देते हैं कि टर्मिनल में अयोध्या की संस्कृति और विरासत की भी दिखा गया, आपको उसकी झलक भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। जब आप अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको साफ वो चीज़ें झलक देखने को मिलेगी, वो चीज़ें महसूस होंगी कि आप राम की नगरी में पहुंच चुके हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो आज का दिन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने अयोध्या वासियों को कई सौगात दी है। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट देशवासियों को सौंप दिया है।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने कई और परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने ये कहा कि राम में अयोध्या धाम में। आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर गर्व की अनुभूति हो रही है। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना होगा। वहां पर भारत मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। जब इस अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60 हजार लोग आ जा सकेंगे। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों के अलावा आज यहां अनेक पथों का मार्गों का भी लोकार्पण हुआ है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ से आवाजाही और सुगम होगी। अयोध्या एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुके देकर के पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया है। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। 500 सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी से रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामणि से, प्रभु राम की जन्मभूमि से
माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। इसी दौरान एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। उन्होंने फूलों के साथ पीएम मोदी का अयोध्या में स्वागत किया। तो लता मंगेशकर चौक पर अयोध्या वासियों ने देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या आ रहे हैं, और जो अयोध्या का सौभाग्य है कि आज स्वयं जो है प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। और अयोध्या में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, रोड है, पुल है, और तमाम सी चीज़ें का जो है सौगात भी देने वाले हैं। अयोध्या में विकास हो रहा है और विकास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी अयोध्या में स्वयं मौजूद जो है होंगे, ये अयोध्या वालों का एक सौभाग्य है। आज जो है अयोध्या की जो खूबसूरती जो है वो आज जो है सबके सामने है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या स्वयं भी जो है विराजमान है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड हुई। इस दौरान दिल्ली से अयोध्या पहुंचे यात्रियों ने खुशी भी जाहिर की। एयरपोर्ट पर एक यात्री के हाथ में राम मंदिर का सांकेतिक मॉडल भी दिखा। वहीं एक बच्ची ने एयरपोर्ट पर धरती को चूमकर अपनी खुशी जाहिर की। बहुत ही बेहतरीन फ्लाइट थी, बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, और इस जर्नी का और हिस्टोरिकल मोमेंट का हम पार्ट बने हैं इसके लिए। और हम, मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूं, तो हमारे लिए तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि इस मोमेंट पे हम जो है ना, और पहली फ्लाइट का हम हिस्सा बने। पूरी हमारी जर्नी थी, रास्ते में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ और जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरा सफर हमारा बीता, और बहुत ही सुखद अनुभव था। आप देख सकते हो कि कितना एक्साइटमेंट लेवल है, बहुत ही ज्यादा मजा आया। ऐसी फ्लाइट हम लोग काफी जगह ट्रेवल करते हैं, पर जो आज की फ्लाइट का मतलब मजा था वो कहीं हो नहीं सकता। सारे लोग जो भी आ रहे हैं, आप उनके चेहरे पे एक अलग चमक देख सकते हैं, जय श्री राम वाली, कि हम अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, बेस्ट फ्लाइट। पहली फ्लाइट से आए जी, एक तरीके से विमान से आए, जब श्री राम भगवान या विमान से आए थे गए थे, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अयोध्या के अंदर आने से। ऐसा लगता है कि रामराज आ गया दोबारा से। आज श्री अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने दोबारा से एक रामराज को स्थापित कर दिया है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये पहली फ्लाइट, ये ताउम्र, ये एक एक्सपीरियंस जो है ये याद रहेगा। इतने नारे, जय श्री राम, हनुमान चालीसा का पाठ जो फ्लाइट में हुआ है, एक भाव ही अलग था। जब टेक ऑफ करी फ्लाइट और जब लैंड करी, वो एक भाव अलग था, सब में भाव अलग था। बहुत ही अच्छी थी, पता भी नहीं चला टाइम का। पूरे रास्ते बस राम जी के गाने, राम जी के नारे लगते रहे, और उतरते ही सबको बहुत अच्छा लगा। कनेक्टिविटी हो गई, हाँ जी, उतरते ही हो गया, सब प्लेन से उतर के सबने जमीन छुई है, सबको अच्छा लगा। मेरी सालों की तपस्या थी और हम सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैं अयोध्या की रामलीला का अध्यक्ष भी हूँ, तो हम हर वर्ष रामलीला करते हैं, तो हम लोग लखनऊ जाते हैं, फिर वहाँ से बाई रोड 3 घंटे हम लोग अयोध्या आने में लगते थे, और कई बार तो 6-6, 7-7 घंटे कोई बाई रोड जब आते थे हम लोग, तो बड़ी हालत खराब होती थी। कोई फिल्म स्टार तो मना कर देते थे कि यार नहीं, यार डायरेक्ट फ्लाइट नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे रामलीला के अंदर। तो आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। मोदी जी है तो मुमकिन है, और मैं इसकी खुशी प्रकट नहीं कर पा रहा कि कितनी बड़ी खुशी है हमारे लिए।
अयोध्या में पीएम मोदी ने निषाद परिवार से मुलाकात की। पीएम मोदी ने मीरा मांझी से बातचीत की और उनके घर बनी चाय भी पी। न्यूज इंडिया की टीम भी मीरा मांझी के घर पहुंची। बातचीत के दौरान मीरा मांझी ने न्यूज इंडिया को बताया कि पीएम मोदी ने उनसे उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा, साथ ही परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। पीएम मोदी करीब 15 मिनट तक मीरा मांझी के घर रुके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री अयोध्या आए, मुलाकात के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक परिवार से मुलाकात करी, मीरा मांझी से। मीरा मांझी के साथ हमारे साथ में हैं शिव कुमारी जी। शिव कुमारी मांझी इनका नाम है। बहुत बढ़िया बोलती हैं अवधि में, एकदम भौकाल। अम्मा बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। ये बताइए लग कैसा रहा है, प्रधानमंत्री आए तो क्या कहें आपसे? बहुत बढ़िया भाई, भूख नहीं लग, सुबह के गुल्ला चाय पिए हैं, एकदम पेटा वही भर गया खुशी आवाज से। तो कुछ कह रहे हैं आपसे कि नहीं पूछे न, चार आइटम पाए हैं खुशी वाला चार बताएं, आवाज जो पाए उसे पेटा भर गए। देखिए उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं मीरा मांझी, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, उनकी सास हैं ये। देखिए सुजी परिवार का पेट भरा हुआ है जब प्रधानमंत्री से मिलके, तो मीरा मांझी का हाल क्या होगा, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी, उनसे भी समझूंगी जानूंगी। आप मीरा मांझी हैं, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। प्रधानमंत्री ने जब आपसे मुलाकात करी तो क्या कहा उन्होंने? हमें तो पहले बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और अच्छे से उनका मैंने स्वागत किया, बैठाया अपने घर में, छोटे से घर। अवधि में बोले है? क्या हुआ? अवधि में बोले मतलब? अवधि में बोलिए, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोलिए, कोई बनावटी करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आपसे कुछ पूछें कि नहीं? हमको आता है बोलने हम। हाँ। जी बताइए, प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ पूछा कि नहीं पूछा? पूछा क्या क्या लाभ पाई हैं, तो मैंने कहा आवास का घर मिला है हमको। हाँ। और कल सिलेंडर भी मिल गया, फ्री का पानी भी मिल रहा है। हाँ। तो बोले नए सिलेंडर पे क्या बनाई हैं? हाँ। तो मैंने कहा दाल चावल सब्जी। हाँ। तो बोले और क्या? मैंने कहा आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो बोले चाय पिलाओ भाई, ठंड हो रही है। हाँ। तो मैंने उनको चाय पिलाया। हाँ। बोले चाय बहुत अच्छी है, थोड़ी मीठी हो गई है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगली बार ध्यान रखूंगी जब आएंगे तो, कम मीठी पिलानी है आपको चाय जी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। इस बीच न्यूज इंडिया की टीम भी मीरा मांझी के घर पहुंची। न्यूज इंडिया के कैमरे पर मीरा मांझी ने क्या कुछ बताया ये हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से मीरा मांझी ने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे तो किस तरीके से उनसे बातचीत की, उन्होंने चाय बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पी, लेकिन कहा कि चाय थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।